देश ने मेरे को मौका दिया है हरिद्वार गंगा स्नान का। हम आधे तक तो पहुंच गए अभी, चाय के स्वाद आने वाले। ये रहा हरिद्वार का घंटाघर, इधर ज्यादा भीड़ नहीं है, वहाँ हम डुबकी लगाएंगे। जहाँ पे रात को गंगा आरती होती है, गलती हो गई गंगा भैया माफ करना, माफ करना हमें। अनुभव रहा, एक स्पिरिचुअल अनुभव रहा। सब रोग दुख मुक्त रहे गुरु कृपा में, हम आपके शरण में अरदास कर रहे हैं। जो भी देना, ऐसा नहीं है कि पंडित जी कहेंगे कि नहीं हम इतना ही लेंगे। हम पहले ही कह दिए हम पढ़े लिखे जाहिल वाला वो ब्राह्मण नहीं है, पीछे मेरा फ्रेंड ब्राह्मण नहीं, इसके तहत मैंने किए। मेरे को तो कुछ पता नहीं, मैं टीका भी नहीं लगा था कहाँ जाके। गरीबों को खाना बांटा जा रहा है, यानी आप यहाँ आके सर्वाइव कर सकते हैं। वो चंडी माता मंदिर है जो पहाड़ पे दिख रहा है उधर। ये रहा मार्केट का सुबह 10:30 बजे का हाल। बॉलीवुड मूवी लगी है अमर अकबर एंटनी, वो जो ठंडी लग रही थी उसमें हम गर्म होने के लिए। मैं ये जा रहा हूँ मेरठ, केस में फिर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 24 नवंबर और मैं हूँ अभी हरिद्वार सिटी में। तो नरेश ने मेरे को मौका दिया है हरिद्वार गंगा स्नान का, इसके तहत हम अभी होटल छोड़ चुके हैं। हम चलते चलते जाएंगे क्योंकि ठंडी ज़्यादा है, तो थोड़ा ये सामान वीमान ढोने में क्या होगा, गर्मी बनी रहेगी। मैं फिर 5 मिनट के बाद एक चाय पीऊँगा, तब जाके हमारा वो गंगा स्नान सफल हो जाएगा। ये रिक्शा का इतना ज़बरदस्त गड़बड़ है, यहाँ बहुत सारी रिक्शाएँ होती है। अरे होटल अच्छा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। होटल अच्छा नहीं था। रेलवे स्टेशन के बाजू में होटल लेना ही नहीं है, बराबर ना। रेलवे स्टेशन के बाजू में होटल चोरगुल जो आप अभी देख रहे हैं ना, इस टाइप से होता है वो, देख लिया आपने कैसा हो रहा। इसी टाइप से हम वहाँ रुके थे, इतना शोर था कि सुनाई नहीं दे रहा। अभी हम जा रहे गंगा किनारे, क्योंकि ये हरिद्वार सिटी जो है इस टाइप से बसी है। अब अमृत मंथन हुआ था उस टाइम में, जो अमृत की बूंदे गिरी थी उसमें से कुछ बूंदे हरिद्वार में गिरी थी। तो ये हरिद्वार में हर हिंदू की आस्था होती है कि एक बार हम लगाएंगे डुबकी गंगा में। तो चलते हैं हम गंगा की तरफ, अभी कुछ मीटर का फैसला बचा है। ये आप देख सकते हैं सिटी का वाइब, ये देख सकते हैं कितना खतरनाक टैम रिक्शा सारा, देख के परेशानी हो जाएंगे कोई बाहर वाले। हम आधे तक पहुंच गए, एक माता जी है शंख बजाने का कार्यक्रम कर रही है, जो आवाज़ आ रहा है, मैं शूट नहीं कर पाया उनका, लेकिन जो आवाज़ आ रहा है वो वहीं आ रहा है, शंख बजा रही है, शंख पैसे। ये रहा हरिद्वार सिटी का वाइब, हम आधे तक तो पहुंच गए अभी। सारा खाने की तैयारी बियारी चल रही है, होटल का तो एक एक फिट पे होटल है, यहाँ रहने खाने का बहुत अच्छा बंदोबस्त है, एकदम सस्ते में। ये आ गए हम गंगा स्नान की घाट के तरफ। ये नदी जो है उसके वहाँ देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। और ठंडी लग रही थी आते वक्त होटल से, लेकिन हमने जो वॉक लगाया है, चाय ले इधर, चाय पीले ऊपर चल के यहाँ थोड़ा गर्म होते जाएंगे। मार रहा है देख भाई, जिस तरफ से चाय बना रहा है, चाय के स्वाद आने वाले हैं। चाय क्या शक्ल दिखा रहा है, मेरा YouTube चैनल है, शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा है। गंगा घाट के नारे चाय पीने का मजा है।
इतना भीड़ है, हमारे बैग भी संभालने पड़ेंगे वहीं का है, तो साइड में। ये रहा हरिद्वार का घंटाघर, ये रहा हरिद्वार का घंटाघर, ये रहा वाइब, पूरा वाइब हरिद्वार का। ये पहुंचने वाले हम घाट पे, ये देख रही है दुनिया सारी पापों से मुक्ति कर रही है, पापों से। भीड़ कम हो उस जगह चल, क्योंकि हमारे साथ है बैग, बैग को अनअटेंड नहीं छोड़ना है, एक मिनट के लिए उधर थोड़ा, जिधर ज़्यादा भीड़ नहीं है वहाँ हम डुबकी लगाएंगे। यही वो गंगा आरती वाला स्थान है जहाँ पे रात को गंगा आरती होती है, यही घाट है, वो पर्यटक सारे गंगा स्नान का मज़ा ले सकते हैं। ये है सारा आजू बाजू का माहौल। और यहाँ हम गंगा स्नान करके पूरा पापों से मुक्ति किया है। मेरे को तो नहीं लगता था कि मैंने जितने सारे पाप किए हैं, क्योंकि मैं तो मेरी मेंटेलिटी यही रहती है कि किसी को फंसाना ही नहीं है हमें, फिर भी हमारे से कोई गलती हो गई, गंगा भैया माफ करना हमें, और इसके बाद है ना हम मरने तुम्हारी खुद की सोचेंगे नहीं, सिर्फ खाने पीने की रहेगी हमारी, अगर मेहनत से कमाएंगे हम, सही बात है। हम ऐसा कोई इच्छा नहीं रखेंगे कि एक आध आदमी हमको किसी को ये कोई फ्री में करे या खर्च करे, अगर नहीं भी कर रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमसे मिनिमम गलती होगी ये इच्छा रख के हम यहाँ से जाए। यहाँ से जय गंगा मैया की। जो मेरी मनोकामना थी ये तो पूरी हो गई है, हरिद्वार जो गंगा मैया के साथ का नज़ारा, यहाँ हमने सूरज को दिया है, तीर्थ चढ़ाए हैं, जो भी अनुभव रहा ये स्पिरिचुअल अनुभव रहा। सब रोग दुख मुक्त रहे, गुरु कृपा में हम आपके शरण में अरदास कर रहे हैं, बोलो गंगे मैया की जय। बोलो तुमेव बंधु चष्टा तुमेव तुमेव विद्याद्रवणम तुमेव सर्वम मम देव। दादा दादी हैं इस धरती पे, दादा दादी के नाम से हाथ करो, बोलो हे गंगा मैया जाने अनजाने में, जिनका नाम मैं जानता हूँ, जिनका नाम आप एकदम फिक्र रहो कुछ नहीं, जो भी स्वेच्छा है जो भी देना, ऐसा नहीं है कि पंडित जी कहेंगे कि नहीं हम इतना ही लेंगे, हम पहले ही कह दिया हम पढ़े लिखे जाहिल वाला वो ब्राह्मण नहीं है पीछे। जो हमने गंगा आरती गंगा प्रसाद वो सारे क्रियाक्रम जो मेरा फ्रेंड ब्राह्मण है इसके तहत मैंने किए, मेरे को तो कुछ पता नहीं, मैं टीका भी नहीं लगा था कहाँ जाके, सिर्फ गंगा स्नान करने की जो इच्छा थी मेरी तो पूरी हो गई है, और हम अभी सारा निपटवारा करके हमारा जो अगला कार्यक्रम है दिल्ली जाने का ये जो भी रहेगा वो करने वाले, यहाँ थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह करेंगे। अच्छे से हमारा गंगा स्नान हो गया, माता के दया से अच्छे से गंगा स्नान हो गया। जय गंगा माई जो स्केच देख सकते हैं। गरीबों को खाना बांटा जा रहा है, जो कई हैसियत रखता है वो बांटता है, इस टाइप से खाना बांटने का कार्यक्रम चलता है यहाँ, यानी आप यहाँ आके सर्वाइव कर सकते हैं, जिसकी मन की इच्छा होगी वो तो आएगा, ज़रूर आएगा। वो चंडी माता मंदिर है जो पार्ट भी दिख रहा है उधर, और ये रहा घाट, और ऊपर ये क्या है, इधर आ जाता हूं मैं, ये मनसा माता का मंदिर है, इसमें मनसा है जो केवल कार चलता है, केवल कार चल के जाते हैं, केवल कार, वो मनसा माता का मंदिर। ये हर की पौड़ी पे दर्शन करी दिया नाइली में, हर की पौड़ी बोलते हैं, हर की पौड़ी जहाँ से कावड़ का जल उठाते हैं ना कावड़। ये है क्या चीज़ है एक्चुअली, क्या बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, नान खताई। हमने पहले जो मैं एक मंदिर देखा था ना रेड कलर का, तो रेड कलर का जो मनसा देवी का मंदिर है, यहाँ से वो वायर ऊपर जैसा चलता है झूले वाला काम, ऊपर तक वो छोड़ देता है। और ये रहा मार्केट का सुबह 10:30 का हाल, हमें पहुँचना है रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन। ये कौन सी मूवी लगी है यहाँ का जो चित्र
चित्रा नाम का जो थिएटर है आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बॉलीवुड मूवी लगी है अमर अकबर एंटनी, जो हमने हमारी कॉलेज लाइफ में 10 बार देखी थी कॉलेज डूबा डूबा के, यहीं से हम गए थे। ओम नमः शिवाय ओम भोले, यह है उनका मेन चौराया जहाँ से हम गुजरे थे। अभी बहुत लंबा लगने लगा कि सुबह जो ठंडी लग रही थी उसमें हम गर्म होने के पूरा भागते भागते गए थे। ये हम यहाँ टिकट बनवा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मेरठ और वो जा रहा है दिल्ली के लिए, तो जो हरिद्वार से जो ट्रेन चलती है तो इंटरसिटी में इतना भीड़ नहीं होती है, और आप देख सकते हैं कि स्टेशन पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अगर आप बगैर सीजनल आते हैं तो वो इंटरसिटी में बहुत अड़चन आएगी नहीं आपको, इंटरसिटी में उतना अड़चन नहीं आती है जितना बाकी टाइम पे आती है, संडे छोड़ के आना है सिर्फ। आपके पास अगर छुट्टा नहीं होगा इस केस में फिर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको, 150-500 की बात नहीं है, खुला पैसा होने पर भी दिक्कत है, नहीं होने पर भी दिक्कत है, होने पर भी दिक्कत है। मैंने जो 50 का बंडल लेके आया था पूरा 4700 रुपये खड़ 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 करके गया, इसलिए मैं 100 का बंडल कभी रखता नहीं मेरे पास, और 500 का तो कभी नहीं रखता, नॉर्मल वाली दे दो। चलो हाँ कुल्लर के यहाँ चल हाथ रखो दे रहा है खुले, जानने के लिए ब्रेकफास्ट करने का खुला हो जरूरी है, ये उनका छोटा सा मेनू कार्ड।